संभव हुआ ऐसे सभी परिमंडलों के सभी अधिकारियों को, कुछ जो उपस्थित हैं और कुछ जो वर्चुअल मोड में हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी सर्कल्स की टीमों ने विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप डाक विभाग की प्रत्येक पहल को जनता तक पहुँचाते हैं एवं विभाग एवं आम जनता के बीच एक जुड़ाव जो है उसके सशक्त माध्यम बने हुए हैं। आपका धन्यवाद और स्वागत। विकसित भारत संकल्प, इसके अनुरूप डाक विभाग में 2.5 लाख ग्रामीण सेवकों को ग्रामीण डाक कर्मयोगी में बदलने की परिकल्पना की। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बड़ौदा की कर्मठ एग्जीक्यूशन टीम है, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफल क्रियान्वित करने के लिए विशेष बधाई देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, यह कार्यक्रम इसलिए भी सामयिक था क्योंकि इसके साथ ही मिशन रोजगार के तहत निरंतर एक पीढ़ी, जैसे पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था एक बार कि बड़ौदा में जो बरगद लगा है, बड़ौदा के बरगद बहुत प्रसिद्ध है, तो बरगद की शाखाएं जैसे फैल जाती है, तो आप लोगों के पीएमओ और बाकी जो अपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, वहां ध्यान खींचा है, बल्कि इस प्रयास को वहां पर रिकॉग्निशन भी मिली है। तो आइए हम एक डाक कर्मयोगी पर एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं। कठिन काम को थोड़े से प्रयास से हम सीख सकते हैं, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को तेजी से अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो इस जीडीएस सीधा भारत सरकार का चेहरा है, तो वह भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करता है, तब उसमें क्या होना चाहिए, उसको लेकर हमने इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई है। लास्ट ईयर वी रिक्रूटेड मोर देन 3000 जीडीएस बल्कि कोई भी डाक कर्मी सही करके अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या डेस्कटॉप के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। It proves like a method of knowledge which is now available in the digital space, and few can watch the difference and can listen to it. With 4.5 lakh employees of ours, we have become from Karmachari to Karmayogi.
पंजाब सर्कल की टीम, मैडम मनीषा बंसल पीएमजी पंजाब वेस्टर्न रीजन, श्रीमती रश्मि असिस्टेंट डायरेक्टर, और पंजाब सर्कल के लिए मैं बताना चाहूँ सीपीएमजी श्री वीपी गुप्ता सर का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। और दोनों स्तर पे महाराष्ट्र सर्कल ने कार्य किया है। समिति के चेयरमैन भी रहे श्री केतन जोशी, जिन्होंने जो भी कोडर है और उन्होंने कोडिंग भी किया है डॉक्टर अर्जुन की पोर्टल का, श्री उज्ज्वल शाह अगेन सर्वर मैनेज करते हैं, अमित रावल ये भी सर्वर मैनेज, अमित गोहिल इंस्ट्रक्टर, और प्रोफेशनली मैनेज करते रहेंगे। सबको नहीं मिलता है जो आप मिले, आज हम सब बड़े प्रसन्न हैं। हम सब ये जो खुशी के पल है या कुछ अचीवमेंट जो हमारे बीच हमने शेयर किया, इन सबको देश के नागरिकों को समर्पित करते हैं कि आपकी सेवा का हमारा जो प्रतिबद्धता था, निर्धार था, उसी के कारण आज हम ये कर पाए। ऐसे भी हमारे देश में पिछले 10 साल से देश के यशस्वी एवं तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे डायनेमिक कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में इस विभाग ने काफ़ी नवाचार किए, और आदरणीय मोदी जी तो हमेशा ये आग्रह करते हैं क्षेत्र है उसको एक तरीके से ऐसा ट्रांसफॉर्म करें जिससे इस देश की जनता को लगे कि अब देश बदल रहा है और इसका अनुभव इस जनता तक पहुँचे। हमने देखा कि देश की इस बदलती समय के साथ हर जनता की, हर नागरिक की एक अलग आशा अपेक्षा खड़ी थी, और उन आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें भी अपने आप को क्षमता वर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा, और इसी दिशा में हमने ये काम को प्रारंभ किया। और मुझे खुशी होती है कि हमारा ही ये सफलता देखकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये महसूस हुआ कि दिल्ली देश के इस केंद्र में एक कर्मयोगी भवन होना चाहिए, उत्तम ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। तो इसकी जो आवश्यकता है बदलते समय के साथ, क्योंकि हमारे
देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम को सफल करने के लिए सबसे अति आवश्यक ये जनता का शासन और प्रशासन का एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संवाद और एक दूसरे के साथ कम दूरी, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलना। जनता शासन और प्रशासन जितना एक दूसरे से नजदीक आएंगे उतनी ये डेमोक्रेसी सफल हो, और डेमोक्रेसी को सफल करने के लिए आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से हम सबको मार्गदर्शन करते, उनका हमेशा ये कहना भी है, देश को जब हम एक बड़े संकल्प के साथ काम कर रहे हैं देश में, इस देश में आने वाले समय में जब ये देश अपना शताब्दी वर्ष मनाए, अपना 2047 में ये जब शताब्दी वर्ष मनाए, तब देश बाकी सब देश की कम की डाकिया डाक लाए, लेकिन अब डाकिया का डाक लाने का केवल ये रोल नहीं, अब डाकिया बैंक भी लाया, डाकिया इंश्योरेंस भी लाया, डाकिया दवाई भी लाया, डाकिया प्रसाद भी लाया, हर चीज डाकिया लेकर आता है। हमने पाया कि हमारे अभी हमने ID 2.0 में भी काफी काम किया है, हमने 1,40,000 से अधिक हैंड होल्डिंग मशीन मोबाइल भी दिए हैं, थर्मल प्रिंटर भी दिए हैं, हमने एक तरीके से हमारे विभाग को टेक्नोलॉजिकल फुल प्रूफ बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सारे इक्विपमेंट्स इन बच्चों को दिया है, एक जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया है टेक्निकल, और उनके हाथ में नई टेक्नोलॉजी का साधन देकर जनता की अपेक्षा के हिसाब से हम काम भी प्रारंभ किए हैं और कर भी रहे हैं। इस देश में पहली बार हो रहा है कि पिछले कई सालों के बाद एक वक्त था कि पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे, मैं कोई पॉलिटिकली यहाँ बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन इस देश में पहली बार पिछले 10 महीने में 5,400 से अधिक पोस्ट ऑफिस खुले तो उस एरिया में पहुंच रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, एक चैलेंजिंग एरिया, डेयरिंग देश का ऐसा है, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, फिर भी हम जा रहे हैं और उनकी समस्या भी हमें बताएंगे, जो बैकबोन है हमारी, ऐसा मत सोचिए कि हम आपको सशक्त कर रहे हैं और आपकी संभाल करना, आपकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं।